कि बहन जी हमेशा से अलग करती आई हैं और अलग करती रहेंगी और अलग करेंगी इस बार भी। तो हम लोग बहन जी के साथ हैं, मतलब बसपा के साथ रहेंगे। इस वजह से वो गठबंधन में आएंगे। हमको चंद्रशेखर राव बहन जी के साथ ही होते तो सबसे बेहतर होता। हम सबके बेटा बेटी के लेके सबके चलम ना। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और अब जो है 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, तो यहां से वहीं सपा समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया है और वो बसपा से सांसद हैं वर्तमान में। आइए, एक दलित बस्ती है वहां पर पहुंचे हैं और कहा जाता है कि दलित वोटर जो है दलित वोटर बहन कुमारी मायावती जी का एकदम जो है पकड़ उनका ज़्यादा मजबूत रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं हम इनसे जानते हैं। दादा थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोड से बीच में इधर आ जाइए। क्या लग रहा है इस बार जो है मायावती जी अभी किसी में गठबंधन नहीं किए, उनका फैसला है कि हम जो है अलग लड़ेंगे? बहन जी अकेले अलग नहीं लड़ेंगी, गठबंधन में आएंगी और जब आचार संहिता लगे तो गठबंधन के साथ लड़ेंगी वो। हाँ, गठबंधन में ही रहेंगी बहन जी। अच्छा। गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगी। हाँ। वो तो तमाम बातें हो रही है कि नहीं है, वो अलगे लड़ेंगी। अलग इसलिए नहीं लड़ेंगी कि अलग लड़के कुछ कर नहीं पाएंगी। जब गठबंधन में आएंगी, पिछली बार चुनाव हुआ तो गठबंधन में लड़के ही उन्होंने 10 या 15 विधायक ये सांसद जीत के गई थी। इस बार भी वैसा ही होगा, गठबंधन में लड़ेंगी तभी उनके MLA MP या विधायक जीतेंगे, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। अकेले नहीं जीत पाएंगे। क्यों, क्या अब दलित वोट बढ़ गया है क्या? दलित वोट बटा नहीं है। हाँ। दलित वोट उनके साथ है। हाँ। फिर चूंकि अगर बहन जी अकेले लड़ती हैं तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक लोगों का समूह उनके साथ नहीं है, उनके साथ जातियों का समूह नहीं है, तब तक अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ, इस वजह से वो गठबंधन में आएंगी बहन जी। जी, गठबंधन में आएंगे, लेकिन अभी तक कोई उनका हुआ अभी नहीं तक है। नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद अभी तक इसलिए नहीं है कि वो ईडी उनके ये क्या नाम है ईडी उनके चक्कर में है। अच्छा। और ईडी पड़ जाए उनके चक्कर साथ चली जाए, मतलब चक्कर में पड़ती है तो जेल चली जाएंगी, इसलिए वो गठबंधन में पहले नहीं आ रही है ईडी के डर की वजह से। जी, तो ये तमाम जो है गठबंधन अभी पटना में, जो पटना के गांधी मैदान में सब ये लोग एकत्रित हो गए हैं। जी, एकत्रित हुए और उन्होंने दिखा भी दिया, इतनी जनता थी वहां पे, इतना भीड़ था, दिखा दिया कि जो है इस बार कुछ न कुछ जो है होने वाला है। आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि बहन जी हमेशा से अलग करती आई है और अलग करती रहेंगी और अलग करेंगी इस बार भी। हाँ, सब में और बहन जी में यही अंतर है। अच्छा, चंद्रशेखर जो है चंद्रशेखर आजाद, वो भी तो दलितों को ही बात करते, जो भीम आर्मी वाले बेशक बात करते हैं, लेकिन भीम आर्मी वाले के आने के बाद इनका वोट बट रहा है। अच्छा। कुछ परसेंट वोट उनके भी साथ है, कुछ परसेंट इनके भी साथ है, जबकि अगर वो चंद्रशेखर राव बहन जी के साथ ही होते तो सबसे बेहतर होता। अच्छा। आज के ये तो प्रयास किए, बहन जी ही नहीं ले रही है। बहन जी न लेने का कारण है ना, हम कह रहे हैं कि अपने साथ ले लेते हैं और मिली भगत विपक्ष पार्टी से कर चंद्रशेखर या कोई भी ये करते हैं तो कोई मतलब नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए अपने साथ नहीं ले रहे। अच्छा, आप बताइए, यहाँ से जो है अफजाल अंसारी बसपा के ही सांसद हैं, लेकिन अब बसपा में अभी सांसद हैं वर्तमान में और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से उनको टिकट दे दिया है, तो क्या इस बार कुछ अलग होगा कि फिर से वही जीत के जाएंगे? अब देखिए, समय बताएगा, हो सकता है हम लोग उनके साथ हो जाए या हो सकता है मायावती के साथ हो जाए। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मायावती जी अलग लड़ेंगी अगर बहन जी, तो क्या करेंगे? तब अलग लड़ेगी तो हम लोग बहन जी के साथ हैं, मतलब बसपा के साथ रहेंगे। बसपा के अलावा कहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं रहे हम लोग। हाँ, बसपा के साथ ही हम लोग हैं। अगर एक परिस्थिति हम लोग के सामने ये होती कि बसपा उस समय जीतने लायक पोजीशन में नहीं है, तब हम लोग सपा के साथ जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी अदर पार्टी के साथ नहीं, सपा को जिताने का काम कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी PDA की बात करते हैं कि मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अच्छा करते हैं, उनको सबको साथ लेके चलना ही चाहिए और चलते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं, हर समाज में होती रहती हैं, ऐसा थोड़े है कि इसी में हो रहा है, छोटी मोटी घटनाएं हर समाज में होती हैं। लेकिन अफजाल अंसारी 5 साल रहे, कुछ आपको लगता है कुछ किए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो तो परेशान रहे जो है, कभी उनके ऊपर केस हो गया तो कभी जेल भी जाके अभी आए, तो इस तरीके से बातें हो रही थी। अफजाल अंसारी थे, ठीक है, 5 वर्ष सांसद थे हमारे यहाँ का, लेकिन करने का समय आप छोड़ेंगे तब तो करेंगे, उनको दूसरे काम में उलझाए रख रहे हैं तो कहां से करेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे।
आदमी कहीं और उलझा है तो कहाँ से कर पाएगा, जब स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र दिल दिमाग से रहेगा तब कर पाएगा। दूसरी चीज कि ये वो बसपा के सांसद हैं, सरकार है इस समय मान लीजिए बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले उनको पैसा देंगे मत देंगे तब तो लागे करेंगे, कहाँ से करेंगे वो, जब पैसा मिलेगा तभी तो करेंगे, और पैसा खर्च करने का समय नहीं मिल रहा है उनको, कहाँ से करेंगे। हाँ, तो मतलब भाजपा के लोग हैं जो जहाँ पे उनकी सत्ता नहीं हो तो परेशान करते हैं लोगों को। हाँ हाँ, लोगों को परेशान करते हैं, परेशान इसलिए करते हैं कि जिसे लोग दूसरे काम में उलझे रहे हैं कि हमारे खिलाफ अपनी आवाज ना निकाल पाए। हम कह रहे हैं सपोज दैट मान लीजिए यूरिया ये किसानों को 2-3 या 4 महीने पे मिल रहा है, तो मिल रहा है ठीक है सपोज दैट, लेकिन तुम कहाँ दे रहे हो भैया, मत दो, ढाई का दाम 500 बोरी कर दो, 500 बोरी कर दो, ऑलरेडी मत दो, क्या मतलब उसे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। हाँ, 500 बोरी डाई मिले, किसान अपना 500 बोरी में खेती कर ले, डाई बेचो 1500 रुपया, उसमें जो जिसे मान लीजिए जो फसल का समय होता है उस समय ब्लैक की स्थिति आती है, मिलता ही नहीं मार्केट में डाई, तो कहाँ से आदमी वो 1500 रुपया मजबूर होकर खरीदता है। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है 5 किलो राशन और 2000 जो किसानों को सम्मान निधि दे रही है, ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, अपने घर से नहीं दे रहा है, देश का कितना करोड़ कर्ज है, एक आदमी के ऊपर कितना डेली कर्ज आ रहा है, ये नहीं, ये भी तो देख रही है जनता, जनता को देखना चाहिए कि एक आदमी के ऊपर कितना कर्ज है। और 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने से गुजर बसर थोड़े नहीं होगा, 5 किलो से किसी का नहीं होगा गुजर बसर। हाँ, तेल पी गए और कोई मिट्टी का तेल मिलते नहीं। अच्छा, मिट्टी का तेल बंद हो गया तो उससे क्या, वो तो लाइट मिल रही है ना लाइट। अरे तो भैया तो लाइट कहाँ, जब लाइट का मीटर निकल लगा लग चेकिंग हो मक्का हो जाए, कौन भरोसा नहीं खेल, तब तो खुद दिक्कत का घर भाई, काम कहाँ हमन के मट्टी का तेल मिला, मट्टी का तेल मिला तो कम से कम दिया जरा है, तो मोदी जी वो बंद कर दिया। लाइट रहती है कि नहीं, लाइट तो हमेशा रह ले, शाम को तो 6 बजे आती है, सुबह 7 बजे कटती है, और दिन में आती है लाइट 10 बजे और शाम को लगभग 3 बजे कट जाती है लाइट, यही लाइट हमारे यहाँ रहती है। हाँ, आइए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इस बार आज जी बतावा कि एदापारी के वोट दियाई देखे कैया लोगों के दे है अमान कहल जी। हाँ, तो के कहे तो आई के ना लूटे के उठावा के हमके, हमके थोड़ो लूट नहीं, तो आई के लूट जे लड़ी ऊ न लूटी के हमार नहीं, तो बिचवाई थवा तो तू ही न लेबा। अच्छा, बहन बहन जी के दियाई कि ना हो ते के कहाव के दे देल जा हम कहब तब। हाँ हाँ, अरे आप के अच्छा लगत हो के ना दिए कि हमरे कह ले दी। ओ अच्छा, तो सब बा हमार कहे के बात है बचवा कि तू मलकार हो गईला, चाहे तो और माँ है हम मलकार हो गए हैं, तो हम सबके बेटा बेटी के लेके सबके चलम ना चलम ना, वही तर वो लोग हम वहाँ मलकार हो गए हुआ, तो सारी जनता के लेके चलो अच्छा से चलो, यही चलो, हम लोग का जानते हैं बाबू के व्रत का गाड़ के नहीं है, हम लोग तो नहीं जानते, तू बच्चा जे नहीं चलवा उन्हें हम चलो। अच्छा, हाँ हाँ, हमन से अधिका मत बतियाओ, हमन को बतिए नहीं आई होता ना। चलिए, गांव में था मैं और ये जानने का प्रयास कर रहा था, ये दलित बस्ती है, और इन लोगों से जानने का प्रयास किया था कि किस तरीके से इस बार जो है किसके तरफ ये लोग हैं। आवास ना मिला, आवास ना मिला नहीं, देख लीजिए वीडियो कहीं करके का लगा ला, कुछ नहीं ना आवास मिलता है ना, प्रधान ना लिए बड़ा कोनो काम देखे हो, मोदी जी तो कहने कि हर गरीबन के हम जो ना आवास योजना से जोड़ दिले, आवास मिलले ना है को सामने देखो, आवास देखिए लेखा दो आवास मिलले वो घुसखोरी में बा, देखिए प्रधान जो मन को खा जा तुम। हां, प्रधान के खिलाफ हम अतु दरखास्त दे ले रही आ एडीएम पंचायत आके फैसला दे दे आ हमारी अतु पर मोबाइल पर चढ़ा देना कि नहीं सही हवे काम भइल बा, काम भइले ना मौका पर पैसा उतर गए। हाँ, आज तक पैसा कोनो काम को भइले नहीं थे, अचानक एक आध काम देखा दिल हूँ और खुद का पैसा खा गए हूँ प्रधान, नाली बनावे खातिर के अतु में मीटिंग में हम देनी, अब आज तक नाली ना बनल। तमाम सारी समस्याएं हैं लोगों को, और इन्हीं समस्याओं को लेकर जो नेता आते हैं इनसे वोट मांगते हैं और वोट मांग के लेके चले जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या तो वहीं की वहीं रह जाती है, और ये लोग वो बता भी रहे हैं कि वही समस्या तो वही की वही है। तो चलिए, इसी तरीके से हम हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार इन लोग ये लोग जो है किस तरफ जा रहे हैं, क्या इनकी समस्याएँ हैं, तमाम समस्याएँ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।